गुड मॉर्निंग स्क्वाड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोदलकासा एमटीडीसी। तो आज की पहली सबसे अच्छी वाली खबर मेरे लिए ये है दैट आई गेट बॉर्नविटा। आफ्टर सो मेनी वीक्स मैं बॉर्नविटा पी रही हूँ विद सम अमेजिंग पूरी भाजी फॉर ब्रेकफास्ट। मैं जब तक नाश्ता कर रही हूँ तुम लोग जाओ, जाके देखो मैं कहाँ रुकी हूँ। Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah. This is the reason that I am here at Bodilkasa, but uske thoda sa nazdeek jana hai mujhe to show you guys properly what exactly is that. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. And uske dusre side of the lake is pura jungle and I plan to show you guys that now. Maybe I was confused or did you feel it too? In that room it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about you. So this is jungle view. हम लोग जंगल के ऐसे अंदर अंदर जा रहे हैं, प्लानिंग कि कोई एनिमल अगर दिख जाए तो। इट इज सेफ बाय द वे ओवर हियर, हमारे साथ एक लोकल दादा भी है। बोदलका से लेक देखे पेट भर नहीं रहा था, इसलिए हमने सोचा छोटा सा सफारी ही कर लेते। तो अपनी जो मामा की गाड़ी है, जो अपनी टीम बैठी है उसमें, वो गाड़ी लेकर सफारी पे निकला है, पार्ट ऑफ बोदलकासा डैम। अपना एमटीडीसी है ना, that side. अभी हम लोग इतना गोल घूम के into the forest and now we are to the other side of Bodilkasa. सफारी वाली गाड़ी है and this is such a beautiful place. इधर तो आना बनता था। Imagine there's a straight line. I so miss Rudra. Rudra होती तो इतनी मजा आती यहाँ पर. And this side is again Bodilkasa Lake. So what I plan to do now is take you guys on the safari of Bodilkasa Lake. दिन की शुरुआत होती है पानी के सफर से। यहाँ पर बोटिंग होती नहीं है, इज जस्ट दैट यहाँ पर अपने कुछ पहचान वाले, उनकी बोट है ये एंड वो हम लोग ऐसे ही छोटा टूर दे रहे। बट गाइज यू शुड कम टू बोदलकासा एंड एक्सप्लोर बोदलकासा बिकॉज दिस इज वन अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड वेरी ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन इन महाराष्ट्र दैट यू कैन कवर। अभी के लिए सुकून है। तो बोटिंग करके पूरी स्किन इतनी गंदी वाली टैन हो गई है, मतलब आई कुड एक्चुअली सी द कलर डिफरेंस। आई वाज वेरी गुड ट्यूब टॉप एंड ट्यूब टॉप के ऊपर वाला पार्ट वाज ब्लैक एंड नीचे वाला एक, ये क्या यार ऐसे कपड़े, तो मतलब गलत टाइमिंग पे बोटिंग कर लिया। इट वाज 12 o'clock एंड 12 बजे की धूप में इमेजिन बोटिंग चालू थी। एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट गियर्ड अप एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट अरुद्रा।
ओह माय गॉड इट्स 2:45 हद हो गई यार निकलते निकलते। रस्सी अपने पास रस्सी आड़ा इसे बांध देते ना अली आगे तक जाएगी जब तक नट फिट नहीं होता है। बाय 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 खाना बहुत अच्छा था बाय बाय थैंक यू सो मच। के पहले वाला वीडियो देखो एक नंबर बनाया है। अली ड्रोन शॉट्स की थोड़ी कमी रह गई क्योंकि अपना ड्रोन चले गया कोर एरिया में अनलाइव जो कि मैं नहीं डालना था इसलिए ड्रोन को छोड़ दिया। बोला कोई नहीं ले लेंगे ना ले लेंगे तुम लोग फटफट कोई ड्रोन गिफ्ट कर दो मेरे को फिर ड्रोन शॉट्स भी देखने को मिलेगा। Yesterday I did 363 kilometers. Hey, extra light bagana lose wali hai. The tight karo jana please. Chain liyo bhai tum sagde? Ye wala market hai yahan par you get everything. There's dawa khana, there's ATM, there's food, there's grocery, there's mechanic, there's tailor. Mastat mast. Highway le kud jai cha highway. Taro ma jai cha. मस्त गली अगेन ऑन द रोड खुजी खुजी हो रही। इफ यू गाइस लव एंड एंजॉय पैची रोड्स देन दिस इज द रोड फॉर यू। पूरी गांव वाली फीलिंग है यहां पर। मंडी ली जमा हो गई है फार्मिंग के लिए। ओके नाउ यू गाइस शुड ट्राई दिस आउट। 40 के स्पीड पर चलाओ थर्ड गियर डालो और एक ही स्पीड मेंटेन करो और ओहो हो होले होले एंजॉय द व्यू। बाइक पे क्या होता है ना पूरा जैसे कंसंट्रेशन सीधा रोड पे होता है तो लेफ्ट राइट क्या वो समझ में आता है नहीं। सिल्लरी MTDC, नागांव MTDC, रामटेक MTDC सब लेफ्ट में। बताओ कौन सा MTDC जाना है आज। एंड वी आर क्रॉसिंग अ नदी। वाओ यार अभी रुकाने को बड़ा जान पे आ रहा है। 30 किलोमीटर चला यार बारिश आ गई। रुक जाते थोड़ा सा सबर करो। नहीं है बारिश रुकने वाले में से नहीं है अपने को रुकना पड़ेगा। अभी जितनी आ रही बारिश आ जा। पुलिस वाले अंकल भी चुस्त में खड़े। ए बोला था ना बारिश को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ओह इट्स अ रेल क्रॉसिंग। कब से मैं सोच रही हूँ बच्चों की चलाने की आवाज आ कहाँ से रही है। दिख रही थी इसके अंदर बकरिया है भर के बकरिया ले जा रहे। ओ देख शिट यार क्या ही हाल बना के रखा है यार उनके। डेफिनेटली स्लॉटर हाउस लेके जाएंगे इनको। दो फ्लोर बनाए हुए लोग ने। फाटक खुल गया है। सी ऑन द लेफ्ट एंड वी सी ऑन द राइट। भंडारा गांव 20 किलोमीटर्स। एक चीज मैंने नोटिस किया रात में गांव में जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है ना बच्चे लोग ऐसे स्पीड ब्रेकर पे बैठे रहते हैं और उनका फोन चलाते रहते या पबजी खेलते रहते हैं। ऐसा एक दो बार नहीं काफी बार देखा हुआ स्पीड ब्रेकर पे बच्चे बैठ के फोन चलाते। आया ब्रेकर्स पे नेटवर्क आता है। By the way, emergency में वॉशरूम जाना पड़ेगा अभी वरना सीन हो जाएगा यहीं पे। बाथरूम नहीं है कार की लगाना साइड में। इधर कोई दे है तो नहीं ना आसपास। नहीं है वॉशरूम रे। एक काम कर कार को खाली साइड में कर दे और कार में ही चेंज कर लेती हूँ मैं। बाइक को अभी वहाँ पर पार्क कर दिया है। नाउ काफी टाइम से हंट फॉर द वॉशरूम वाज ऑन बट वॉशरूम दिख ही नहीं रहा था। पेट्रोल पंप भी आसपास नहीं था एंड काफी सारे लोकल को भी पूछ लिया कि भाई यहाँ पर वॉशरूम है क्या। उन्होंने बोला नहीं है एंड वॉशरूम वाज काफी दूर तो अभी इमरजेंसी में ये वाले जगह पर रुकाना पड़ा बिकॉज आसपास तो अभी कोई है नहीं एंड वहाँ पर रेलवे ट्रैक है। तो मैंने ये लोग को बोला था पार्क द कार हियर। अभी जगह बना ली है कार में ये जैकेट पकड़ के ऐसे उल्टा तो भी लोग ऐसे खड़े रहने वाले एंड अपन चेंज इधर करेगा। दिस इज ऑल द जुगाड़ दैट यू गॉट टू डू ड्यूरिंग राइड। दिस टाइम आई हैव अ वेरी स्पेशल मैसेज टू ऑल द गर्ल्स। प्लीज डोंट बी स्केयर्ड और अफ्रेड टू हाइड दैट अरे पीरियड्स में है एंड पैच चेंज करना है। डोंट फील एम्बैरस्ड बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल। एंड टू ऑल द बॉयज अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की ट्रैवल करी है तो प्लीज डू हेल्प हर एंड उसको ऐसे एम्बैरस्ड फील मत करवाओ कि यार क्या ही बोल रही है यार तो गंदी चीज है। नो इट्स नेचुरल बिकॉज ऑफ पीरियड्स यू गाइज आर हियर यू गाइज आर बॉर्न एंड इट्स अ बिग थम्स अप टू ऑल माय बॉयज आउट हियर। एंड इस बारे में पब्लिकली बात करने के लिए प्लीज डोंट बी स्केयर्ड। मतलब इट इज अ नेचुरल थिंग डूड। मतलब नेचुरल मतलब अभी मतलब शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वॉशरूम कैसे जाते हैं वैसी चीज है भाई इसमें कुछ लगता नहीं। वो लोग की मेंटालिटी अलग है बट नेचुरल है। चेंज योर फकिंग मेंटालिटी।
ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई खिले ठोक रहा है। ओ सबसे बड़ा टास्क था ये, पैर फैला के इस चीज के लिए इंटू थ्री ताकत लगती है। जितना इजी है, जितना एक्साइटिंग तुम लोगों को लगता है बाइक चलाना घूमना, उतना एक्साइटिंग है, बट मैजिक डजंट कम इजी। तो ये वैसे ही है, इमेजिन ट्रैवल एज द मैजिक बट इट डजंट कम इजी। अभी ये सिचुएशन पे मेरे दोनों किडनी जवाब दे रहे, एवरी स्मॉल बम्स या पैची रोज आई कैन फील इट टू द कोर। ऐसा लगता है पेट में कोई खड़े लेके मेरे पूरी मार रहा है। ये चीज बेस्ट है। My love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down. That without my अभी तक का जो रूट था वो सेम ही था, नागपुर वाला रूट से जो मैं आई थी एंड टोल पे रुकी थी वही रूट था। नाउ दैट रूट गोज टू नागपुर, अभी अपन ने ये वाला रूट ले लिया है। या आई एम वन ऑफ द सब्सक्राइबर। हाय हाय, हेलो, हाय हाय, हाय हाय। कहां पे जा रहे हो अभी? हम लोग आपको देख ही रहे थे तब से। ओह यार, कन्याकुमारी का बार बार बोर्ड आ रहा है। आदिलाबाद 159, हैदराबाद 449, कन्याकुमारी 1564। उसको वॉशरूम में क्या पूछना? सुसु आई है अभी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। टोल क्रॉस किया है, टॉयलेट ब्लॉक दिख रहा है। मैं यहाँ जाने वाली हूँ यार, आई एम नॉट गोना चेज लाइट मोर। ये एक ढाबा दिखा हुआ है, यहाँ पर रुक जाते हैं। टाइम पे खाने को होता भी नहीं है। हाउ डू आई लुक? जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, समझे क्या छोटे? सॉरी, लेट्स कॉल ओपन करना भूल गई। हाय, व्हाट्स अप? ये है एक छोटा सा बहुत बड़ा वाला हॉल। सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये वाला ब्रेक बहुत जरूरी था। दिस इज माय रेस्टिंग टाइम, दिस इज देयर ईटिंग टाइम। ये लंच एंड डिनर साथ में हो रहा है। मैं ये स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई कांट ईट नाउ, बिकॉज ये ढाबे पे हम लोग रुके हुए हैं। दिस इज लाइक अ मच नीडेड ब्रेक। क्रिएटिविटी इन इंडिया। वन इज अ पेट्रोल का टैंक एंड पेट्रोल के टैंक पे मस्त वाला मिरर भी लगाया है। मतलब यहाँ पर आके तुमको अगर हाथ धोना है तो यू हैव अ मिरर वेर यू कैन एक्चुअली लुक एंड वाटर फ्रॉम द टैप। सबसे बेस्ट है ये रिन साबुन, मतलब इसको इतना सा लो और पूरा जो चिकट चिकट होता है हाथ वो सही से निकल जाता है। नॉर्मल साबुन में इतना फास्ट नहीं निकलता है जितना इससे निकलता है। यार एक बहुत बड़ा वाला सीन हो गया, अब क्या ही बोले क्या हो गया। एक इतना बड़ा वाला खड्डा था दिखा नहीं, एंड उसके ना दिखने के कारण हमारा जो टायर है कार का वो चल दिया, पूरा ही फट गया। ये देखो चिथड़े चिथड़े हो गए टायर के, अब इसको फेंक कर दूसरा। वो नहीं और भी कुछ हुआ है, अपना गोप्रो माउंट भी गिर गया, हेलमेट गिरा, गोप्रो माउंट टूट गया। और रात के 9:30 बज रहे, हमको जाना है ताड़ोबा जंगल क्रॉस करके। नसीब से भी है स्टेपनी टायर, जाके वो सब निकाल के अभी टायर चेंज कर रहे हैं। बट हाँ, एक और नया टायर खरीदना पड़ेगा। इस ट्रिप में सिर्फ खर्चे हो रहे और कुछ नहीं। मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। डंडा वंडा लेके रेडी, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का हमला कभी भी हो सकता है। फॉर सेफ्टी रीजंस हमने ऐसे डंडे कैरी किया है। और अभी बात करने की तो बिल्कुल ताकत नहीं, बात करने की कैमरा पकड़ने की ताकत नहीं मेरे में। वी यूज दिस रोड एट नाइट क्लोज फ्रॉम 6 PM टू 8 AM फॉर टूरिस्ट विदाउट स्टे बुकिंग सफारी। दिस इज विदाउट स्टे, अपना स्टे ऑलरेडी है। एग्जिट पद्मापुर कोंडेगांव गेट बिफोर 8 PM। मत पूछो कैसे, बस पहुँच गए। क्या हाल है छोकरे? एकदम मस्त हूं मैं तो, एकदम फ्रेश। मजा ही आ गया है ऑफ रोडिंग का, लेके चलो लेके चलते पूरा कैरियर पे बांध देते हैं मिस्टर विजय सब ब्रिक बिग डाल के। ये बात सही है। कुठले? मुंबई। चार लोग हैं, एक कार आणि एक बाइक। रॉयल एनफील्ड हिमालयन। पावती भाड़ा लागते 100 रुपये। चले जाओ ना, तो मैं तो जाके दे जल्दी दे। गाड़ी कौन चलाएगा अभी? हां नहीं मतलब नहीं चालासेल से क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर लाइसेंस? अरे मी पूर्ण इंडिया फिरले, माझी गाड़ी आणि कोण चालवणार? बिग थम्स अप। हमारे पीछे एक स्पॉटिंग गाड़ी है पेट्रोलियम की, वो लोग हेल्प आउट कर रही है यहां से जंगल एरिया क्रॉस होके जाने को। आगे एक गाड़ी पीछे और आई एम द सेंटर राइडिंग
ही पता चल रहा होगा कि हालत मेरी कितनी डेड है। इमेजिन मैं जब वॉशरूम में गई थी, अभी जब पेट्रोल पंप में वॉशरूम के लिए रुकी थी, वॉशरूम के अंदर क्रैब तिर रहा था, तो मेरे को जो सूसु जाना था वो सूसु ने यू टर्न मार के वापस ऊपर आ गए। इतनी ज्यादा हालत खराब है यार। यहाँ पर भी ट्रैवलिंग रूरल में तो ना पेट्रोल पंप में अच्छा वॉशरूम मिल रहा है मुझे, ना कहीं मैं रुक पा रही हूँ। अभी फिलहाल रूम में पहुंच गई हूँ, द रूम इज वेरी अमेजिंग। आस पास आप लोग देख लो, इसका एक्चुअल टूर मैं तुम लोग को दूंगी बाद में। बाय द वे देयर इज अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर, जो कि मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, बट दिस इज द फॉरेस्ट। थोड़े टाइम पहले यहाँ से शेर की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, तो सब भाग के हम लोग आ गए थे बाहर है। तो यहाँ से भागते हुए एक हम लोग को वहाँ पर तीन छोटे छोटे टाइगर के कब्ज़ दिखे, और मधु नाम की एक टाइग्रेस है यहाँ पर, उसके बच्चे थे घूम रहे थे यहाँ पर। वो पूरी जब हम सफारी जाएंगे यहाँ पर तब वो दिख जाए अपने को। तो आई थिंक आज के लिए ब्लॉग इतना ही गाइस। एज ऑलवेज दिस इज वारिकुल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रिंगिंग ऑल योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू गाइस इन अनदर ब्लॉग। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट पीरियड्स इट्स वेरी नॉर्मल। बहुत तकलीफ से सब चीजें झेलना पड़ता है। तो या टिल देन कीप कम एंड गिवन टक मोर पार्टी। वो जहाँ पर बैठा है वहाँ पर बहुत जा रहे हैं। इधर आया, इधर गया, इधर आया, इधर गया। जो पीछे बैठा है